स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सूर्य कंपनी का बना हुआ एक नॉन इलेक्ट्रिक और नॉन स्टिक कोटिंग के साथ आने वाला ग्रिलर है, जो कि काफ़ी सस्ता भी है। सूर्य कंपनी का बनाया हुआ है, ये मेटल इंडस्ट्रीज़ का दिल्ली में पैकेज हुआ है और 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच बीच में आपको ये ऑफलाइन बड़े आराम से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो ये और इसके आसपास कुछ जो सिमिलर से प्रोडक्ट हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाल दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो आज से पहले आपने घर पे कभी सैंडविच नहीं बनाया और इनिशियली आप देखना चाहते हैं कि भैया सैंडविच हमें कैसे लगेंगे, तो इससे शुरुआत की जा सकती है। रादर देन कि 2-3 हज़ार रुपये आप खर्च करके पहले इलेक्ट्रिक वाला सैंडविच मेकर लें, तो उससे अच्छा है कि सस्ता और बढ़िया ऑप्शन जिसको मैं कह सकता हूँ। कई लोगों ने मेरे को रिकमेंड किया था, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि इसके जो सैंडविच है वो कैसे बनते हैं। टोस्टर जिनको कह सकते हैं कि अगर आलू वाले आप टोस्ट बनाना चाहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, बट जो नॉर्मल सैंडविच हम बनाते हैं वो वाले सैंडविच आज हम इसमें बना के देखेंगे। तो ये इस तरह कुछ होल्ड किया जाता है और बाकी मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ कि अंदर से कुछ इस तरीके का होता है। तो बाहर और अंदर दोनों साइड नॉन स्टिक इसकी कोटिंग होती है, तो ये गैस वगैरह पे आप बड़े आराम से इससे सैंडविच बना पाओगे। और ये देख सकते हो थोड़ी सैंडविच टाइप की, मतलब थोड़े से ग्रिल जो है यहाँ पे बनी हुई है, तो थोड़ा सा मतलब आपको रेस्टोरेंट वाला फील भी इससे आएगा। और सॉलिड ग्रिप दे रखी है, मतलब ऐसा नहीं कि हाथ वगैरह जलने का कोई टेंशन वाली बात है नहीं अभी तक। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ ममता के पास और ज़रा दिखाते हैं इसमें कि इसमें जो सैंडविच हम बना रहे हैं वो किस तरीके से बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो ये नॉर्मल जो ठंडे वाले सैंडविच हम बनाते हैं घर पे, वैसे इसकी फिलिंग होगी है और बस इसको उठा के बटर लगा के, भैया यहाँ गाँव में घी या बटर नहीं चलता है, तो घी लगा दिया हमने और रख दिया दोनों साइड लगा के, और आपने इसको बंद कर देना है और बंद करके गैस पे कुछ इस तरीके से रख देना है। जब आपको लगे कि थोड़ा हीट हो गया है, एक साइड से पक गया होगा, तब आपने क्या कर देना है उसको दूसरी साइड से भी पलट के इसको अच्छे से सेक लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसमें सैंडविच बनेगा तो वो किस तरीके का बनता है। और एक अच्छी चीज़ और भी है, मैं आपको ये भी चेक करके दिखाऊंगा कि कितने क्रिस्पी ये सैंडविच जो है बने हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते रहेंगे ऐसे ऐसे वीडियोज़ के साथ।